हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कोशिश की है, कुछ ऐसे वर्ग जिनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जिनके लिए मदद के लिए रास्ता खोलना चाहिए, जिनको बहुत कम मिलता है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न इस बात का है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे वर्गों को हमने चिन्हित करके काम करने की कोशिश की है और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे वर्ग जिनकी ज्यादा मदद करने की जरूरत हमको लगती थी, उनकी मदद हमने करने की कोशिश की है और उसमें आपका भी वर्ग है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे आप हैं। और आपके लिए भी मुझे लगता है कि खास तौर से इस वर्ग के लिए भी शायद मेकल में 900 रुपए की बढ़ोतरी आज से पहले कभी एक साथ एक 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 बजट में नहीं हुई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते हम आपको 8,000 रुपए प्रति माह का आपका जो है वो मानदेय पहुंचाने की स्थिति में हो पाए। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट सत्र तो पूरा हो गया, बजट से संबंधित जो कुछ बातें कहनी थी हमने वो कही है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए इसे हट करके और भी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके काम करने की जहां जरूरत होगी उन बातों को लेकर के हम जरूर विचार करेंगे। जो आपकी बात आई है, एक बात तो आपकी यह आई है कि भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, नाम का परिवर्तन किया जाए, ये जो चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आपके लिए पॉलिसी से संबंधित क्या चीजें सोची जा सकती है, क्या क्या चीजें की जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा जो नाम का जिक्र किया आपने, उसके बारे में भी उस कमेटी में जो है वो नया सुझाव के रूप में आप लोग देंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरी बात जो कही गई है, जो एक निर्धारित हमारा एक निर्णय हुआ पड़ा है जो 20% वाला विशेष तौर से, हाँ जी, ये हमारी गवर्नमेंट में हमने इसको निर्णय किया है, इसका 20% जो है हमारे पंचायत सचिव के लिए उसमें प्रावधान में हम उसमें एलिजिबल कैटेगरी भी हमारे पास उसमें अवेलेबल है, शायद मेरे ख्याल में जिस प्रकार की मुझे जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं जल्दी कहूंगा कि बहुत जल्दी इसके लिए हम नोटिफिकेशन करके इसका सारी जो DPC वगैरह की प्रोसेस कंप्लीट करके ताकि ये काम पूरा कर सके। आपके भविष्य के लिए जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।